वेलकम स्टूडेंट्स टू द ऑनलाइन क्लासेस इन दिस वीडियो वी विल लर्न चैप्टर थर्टीन गोइंग टू प्लेसेस चैप्टर थर्टीन गोइंग टू प्लेसेस स्टूडेंट हम इस चैप्टर में यू you नो know, uh, आप क्या यूज़ करते हो एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जब आपको ट्रैवल करना होता है तो आप कौन से व्हीकल का यूज़ करते हो ये सब चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे लेट एस फाइंड आउट दीज चिल्ड्रन गो टू हाउ दीज चिल्ड्रन गो टू स्कूल यानी कि अब ये फ़ाइंड आउट करते हैं कि जो बच्चे हैं वो किस तरीके से अपने स्कूल जा रहे हैं जो गीता है वो वॉक करके अपने स्कूल जा रही है गीता वॉक्स टू हर स्कूल समीर जो है वो रिक्शा में बैठ करके अपने स्कूल जा रहा है समीर गोज टू रिक्शा इन समीर गोज टू स्कूल इना रिक्शा एंड द बानी बानी जो है वो स्कूल बस की हेल्प से उस पर बैठ करके स्कूल जा रही है बानी गोज टू स्कूल इन द स्कूल बस एंड द लास्ट इज बनीत जो है बनीत गोज टू स्कूल ऑन अ स्कूटर यानी कि बनीत अपने पापा के स्कूटर पर बैठ करके स्कूटर से स्कूल जा रहा है नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डू यू गो टू स्कूल अभी क्वेश्चन है कि आप कैसे स्कूल जाते हो तो ये जो चीज है वो आप खुद लिखोगे यू आर गोइंग टू स्कूल बाय आ मोटर बाइक uh, या बाय बस या बाई ऑटो लुक एट द पिक्चर केयरफुली अब आपको इस पिक्चर पे बहुत ही केयरफुली देखना है हाउ मैनी डिफरेंट व्हीकल्स डू यू सी राइट देयर नेम्स इन द स्पेस गिव इन ब्लो यानी कि आपको कितनी व्हीकल्स uh, इस पिक्चर में दिखाई दे रही है आपके पास एक स्पेस प्रोवाइडेड है आपकी बुक में आपको उस स्पेस में उन व्हीकल्स का नाम लिखना है जो आपको दिखाई दे रही हैं इस पिक्चर में नाउ मैच द नेम्स ऑफ द व्हीकल्स विद द पिक्चर यानी कि आपको इन पिक्चरों को इनके नेम से मैच करना है इट इज़ वेरी सिंपल टू मैच द पिक्चर विद देयर नेम्स Which ऑफ these व्हीकल्स शोन अबव मूव्स द फास्टेस्ट यानी कि इट्स एरोप्लेन जो होता है इन सबसे ज़्यादा फास्ट होता है Which व्हीकल यूज मूव्स द स्लोएस्ट यानी सबसे धीरे कौन कौन सी सबसे धीरे चलती है यह आपको बताना है साइकिल हैव यू एवर थाट वाई वी नीड वी कुल डिस्कस विद योर फ्रेंड्स एंड टीचर क्या आपको ऐसा लगता है कि हमको गाड़ी की व्हीकल की ज़रूरत क्यों होती है ये सब चीज़ें आप अपनी फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करिए और टीचर्स के साथ डिस्कस करिए नेम टू व्हीकल्स डैट कैरी पीपल यानी कि दो व्हीकल्स जो आ, लोगों को कैरी करती है यानि कि आ, कुछ भी हो सकता है बस और कार नेम टू व्हीकल्स डैट कैरी अदर थिंग्स यानि कि लोगों के अलावा जो गुड्स को कैरी करती है तो वो कौन सी होती हैं वो होती हैं आप ट्रकिल टॉक अबाउट व्हीकल्स यूज फॉर ट्रैवलिंग शॉर्ट डिस्टेंसेस यानी कि जो शॉर्ट डिस्टेंसेस को कवर करने के लिए जो व्हीकल्स यूज़ करते हैं ट्रैवलिंग के लिए वो कौन से हैं ऑटो रिक्शा रिक्शा एंड बोट व्हीकल यूज़ फॉर ट्रैवलिंग लॉन्ग डिस्टेंसेज यानी कि अगर आपको कहीं दूर जाना है तो आप इन व्हीकल को यूज करते हैं जैसे कि ट्रेन एरोप्लेन बस और कार अब कुछ ऐसे भी व्हीकल्स होते हैं बच्चों जिन्हें हम किसी स्पेशल पर्पस के लिए यूज़ करते हैं यानी कि वो सिर्फ इन्हीं पर्पस के लिए यूज़ किया जाएगा ठीक है जैसे कि फायर इंजन की गाड़ियाँ हुई एम्बुलेंस हुई, हुई, हुई ट्रक हुआ ट्रक हुआ तो ट्रक को बेसिकली हम लोग सामान कैरी करने के लिए यूज़ करते हैं एम्बुलेंस इज़ फॉर द पेशेंट एंड फायर इंजन के, के गाड़ी को यूज़ करते हैं इट इज़ यूज बाय द फायर जो आग बुझाने का काम करते हैं यू मस्ट द ट्रैफिक लाइट्स ऑन द रोड वॉट डू जो ट्रैफिक लाइट्स आपको दिखाई देती है रोड पे, वो क्या कहती हैं? कहती है कि stop, कि कि यानी यानी रुक जाओ। Green light says go, कि चले जाइए। येलो लाइट सेज वेट येलो लाइट कहती है वेट इट इज बेटर टू गो स्लो यानी कि इट इज वेरी बेटर कि अगर आप स्लो चलें तो ज्यादा तेज गाड़ी बिल्कुल ना चलाएं ठीक है थीके? वैन आई हैव टू क्रॉस द लो क्रॉस द रोड आई लुक टू द लेफ्ट एंड टू द राइट यानी कि जब मुझे कोई रोड क्रॉस करना होता है तो सबसे पहले मैं लेफ़्ट देखता हूँ फिर मैं राइट right देखता हूँ ठीक है उसके बाद में ये चेक करते हैं हम कि कोई गाड़ी कोई व्हीकल तो नहीं आ रहा है ठीक है आई क्रॉस द लाइन्स दैट आर ब्लैक एंड वाइट यानी कि जैबरा क्रॉसिंग पे जो लाइन्स ब्लैक एंड वाइट कलर की होती है मैं उस पर ही रोड क्रॉस करता हूँ